शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो मैम। हेलो। यस साइन प्लीज मैम। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम्हारे सर ने तुम्हें पनिशमेंट दी है। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम आने वाली हो, इसलिए मैंने बॉडी पहले से ही बाहर निकलवा के रखी है। थैंक यू। चलो यू कैरी ऑन, मैं राउंड मार के आती हूँ। थैंक यू मैम। या थैंक यू। मूवी नहीं यार, आज तो कोई चांस ही नहीं है। देख रहे यहाँ पे इतना सुनसान है, कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं है, अकेले हूँ। अच्छा सुन सुन, मैं तुझे बाद में फ़ोन करती हूँ। हाँ हाँ चल ठीक है। क्या हुआ, इतने जल्दी हो गया? हाँ हो गया मैम। वो बॉडी पर बैंडेज क्यों बांधा गया है? बैंडेज? मुझे क्या पता, डॉक्टर ने किसी रीज़न से बांधी होगी। और अगर तुम डॉक्टर के रहते ही क्लास अटेंड करती ना, तो समझ भी पाती और पूछ भी सकती। लेकिन हाँ बोल अनीशा। आखिरी बार पूछ रही हूँ तुझसे, चलेगी कि नहीं चलेगी मूवी? अरे नहीं यार अनीशा, मुझे नहीं जाना है। बहुत अच्छी मूवी है यार, हॉरर मूवी है, डेड मैन वॉकिंग। अनीशा बोला ना मैंने कि मुझे नहीं जाना है। तू तो हमेशा स्पॉइल स्पोर्ट रहेगी। अच्छा एक मिनट अनीशा, मेरी बात सुन। क्या चलेगी? नहीं मेरी बात तो सुन। वो तुझे याद है क्या, जो हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे वो डेड बॉडी पर, उस बॉडी की आंखें खुली हुई थी क्या? पता नहीं यार, तुझे तो पता है मेरी आंखें हमेशा रोहित को देखती है। अरे यार किसी बात को तो सीरियसली लिया कर, हमेशा मजाक। तू जानती भी है उस डेड बॉडी को देख के मेरी हालत कितनी खराब हो गई थी। कम ऑन यार, एमडी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होके ऐसी बेवकूफों वाली बातें कर रही है। मरते टाइम उस बॉडी की आंखें खुली रह गई होगी, इसलिए कितना भी कोशिश करेगी पर नहीं होगी। और ये बात तो एमबीबीएस का फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट भी जानता है। अच्छा और उस लाश पर पट्टी क्यों बांधी गई थी? पट्टी? कौन सी पट्टी? बैंडेज, उस लाश पर बैंडेज लगा हुआ था। हॉरर मूवी मैं देखने जा रही हूँ और तू मुझसे डर की बातें कर रही है। अच्छा अच्छा ठीक है, तू एंजॉय कर और तू जाके देख मूवी अपनी डेड मैन वॉकिंग। चल बाय बाय।
पिज्जा डिलीवरी। पहले भी तुमने ही बेल बजाई थी ना? नहीं मैम, मैं तो बस अभी अभी पहुंचा। क्या हुआ? कुछ नहीं अनिशा, मुझे ना तुझसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुझे रोहित पे क्रश तो नहीं आया ना? कम ऑन यार, शट अप, कैसी बातें कर रही है? रोहित पे क्रश हो गया? अच्छा सॉरी सॉरी, बोलना। वो मुझे स्टॉक कर रहा था। पहले वो मेरे पीछे पीछे आया और फिर आधी रात को ना उसने दरवाजा खटखटाया। शायद वो पूरी रात वहीं पर ही खड़ा था। वो कौन? वही जिसकी बॉडी पे हम डिसेक्शन कर रहे हैं। उसके ना चेहरे पे ना वो पूरी पट्टी बंधी हुई थी। शायद वो वही था। पक्का तू डेड मैन वॉकिंग देख के आई है? उसमें भी ऐसे ही होता है। वो उसे ऐसे ही स्टॉक करता है और फिर उसे चाकू घोप के मार डालता है। अनिशा शट अप यार, क्या बोल रही, पागल हो गई है क्या? आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रही थी। अगर मैटर इतना ही सीरियस है तो तू पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करती है? उसमें भी ऐसे ही हुआ था। अगर पुलिस टाइम पे आ जाती ना वो बच जाती। नहीं अनिशा, मुझे पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना है। तू जानती है ना मकान मालिक को, वो कैसा है। पुलिस का लफड़ा चाहिए ही नहीं उसको। चल छोड़, शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। अरे बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। हम बेचारे हॉस्टल में रहने वाले, एक रूम में दो लड़कियाँ, और आप अकेले घर में रहने वाली अकेली लड़की, डर तो लगेगा ही ना। यार तुझे पता है ना कि मुझे हॉस्टल पसंद नहीं है। वहाँ का खाना रहना मुझे सूट नहीं करता। पूरा कॉलेज जानता है निहारिका मैडम को, वो उनके नखरे और उनकी लेविश लाइफस्टाइल। अनिशा पक्का ना उसके चेहरे पे बैंडेज नहीं था? पक्का बाबा नहीं था। तू पागल तो नहीं हो गई है? अच्छा ओके चलो अभी चलते हैं, वरना तुम्हारी मूवी की बातें स्टार्ट हो जाएंगी। चल। Yes, man.
मैम, मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी थी. सो जस्ट गिव मी वन मिनट प्लीज. बोलो. मुझे आपसे ये पूछना था कि मैम, मुझे ये पूछना था कि ये जो बैंडेज है इसमें से जो बदबू आ रही है वो किस चीज़ की है? ये तो उसी सोल्यूशन की बदबू है जो डेड बॉडीज़ पर प्रिजर्व करने के लिए लगाते हैं. मगर ये तुम्हारे पास कैसे आया? मैम, क्या आप स्पिरिट्स पर बिलीव करते हो? अगर करती तो यहाँ पे कभी जॉब नहीं लेती. बाय एंड यू स्टॉप वॉचिंग हॉरर मूवीज.